नमस्कार दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि अगर हमारी शादी हो तो हमारी शादी के बाद हमारी सास बिल्कुल भी चिकचिक ना करे, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है और सुना भी है कि यदि आपकी सास होती है तो आपकी सास ज़्यादा ही चिकचिक करती है, यानी कि आप जो भी कार्य करती हैं तो उसमें वह कोई ना कोई कमी निकाल देती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियों का मानना होता है कि या तो सास अच्छी हो या तो फिर हो ना। और यदि आपकी सास है तो आप उन सास को अपने बस में यानी कि अपने तरीके से अपनी माँ के रूप में देख सकती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे मेरी माँ है वैसे ही मैं उन्हें संभालूँ। यदि आप अपनी माँ की तरह ही अपनी सास को ट्रीट करती हैं तो वह भी आपको अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करेंगी, लेकिन उसके लिए आपके कुछ उपाय हैं। यदि आप उन उपायों को करती हैं तो वह सास आपकी माँ बन जाएंगी, तो जिसकी वजह से आपकी जिंदगी हो जाएगी खुशहाल, क्योंकि हर कोई लड़की चाहती है कि उसकी जिंदगी में हर कदम पे कोई ना कोई साथ देने वाला या पहलू पर हमेशा खड़े होने के लिए कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, क्योंकि पति देव के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगी, क्योंकि पति देव तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद रहना तो आपको घर पर है। यदि आप वर्किंग करती हैं तो भी आपको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी सास की ही पड़ने वाली है, क्योंकि यदि आप वर्किंग करती हैं तो वर्क करने के लिए आप बाहर जाती हैं तो घर पे रहने के लिए और घर को संभालने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। यदि आप सुबह का कोई कार्य करके जाती हैं और आप घर पर अपनी जिम्मेदारियों में से कुछ छोड़कर चली जाती हैं तो पीछे आपकी माँ संभाल लेती है। अक्सर हमने देखा भी है और सुना भी है कि हम अगर शादी से पहले वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारी माँ हमारे घर का सारा सामान अच्छे से ठीक से रख देती हैं, लेकिन यदि शादी के बाद अगर ऐसा होता है तो हमारी सास सबसे ज़्यादा ताना मारना शुरू कर देती है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपकी सास ताना ना मारे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रहे, जिसकी वजह से आपकी सास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो इसलिए आप फेंग शुई के ये उपाय जरूर अपनाएं। नंबर एक, अगर आप चाहती हैं कि आपकी सास आपकी माँ की तरह ही बन जाए और आपकी हमेशा केयर करें और उसके साथ साथ आपके साथ रहना अच्छे से पसंद करें, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि घर में सास बहू में खटपट होती रहती है। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी सास के साथ कोई भी खटपट ना हो तो उसके लिए यह उपाय ज़रूर अपनाएं, लेकिन यह उपाय आपको 13 दिन तक करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक कटोरी दही लीजिए, उसे एक सफ़ेद कपड़े से कवर करके रख दीजिए, लेकिन कपड़ा पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आसपास दिखाई दे रहा हो, और उसके ऊपर राख रख दीजिए और वह ऐसे ही खुली रात में छोड़ दीजिए। पूरी रात ऐसी छोड़ने पर सुबह जब उठोगे तो दही का सारा पानी राख सोख चुकी होगी, और आप राख को किसी मिट्टी के घड़े में भर कर रख दें और जो दही है वह किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा आपको रोज करना है, और जैसे ही 13वें दिन आपका ये कार्य करने की बारी आती है तो आप इस कार्य को करने के बाद उस राख से भरी हुई मटकी को समुद्र में बहा दें, और दूसरा जो दही है वो तो आपको मंदिर में ही चढ़ानी है, तो इससे आपके घर में होने वाले सास बहू के झगड़े काफी हद तक कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से घर में सास बहू की जगह माँ बेटी का रूप बदल सकते हैं और इसकी वजह से आपकी खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। उपाय नंबर दो, यदि आप गाय के गोबर से एक दीपक बनाते हैं और उस दीपक के अंदर मीठा तेल और गुड़ रखते हैं तो ऐसा करने से उसे जलाने के बाद घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रखें। ऐसा करने से आपके सास और बहू में कोई झगड़े नहीं होंगे, साथ के साथ आपके बीच में सामंजस्य प्यार भरा रहेगा और उससे आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नंबर तीन, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सास आपके साथ अच्छे से बिहेव करे और साथ के साथ आप भी खुश रहें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो उससे पहले एक रोटी अपनी सास के लिए बचा दें और वह रोटी पर काली स्याही लगाकर अपनी सास का नाम लिखें और वह किसी काली कुतिया को खिला दें। ऐसा करने से भी आपके सास और आपके बीच में होने वाले लड़ाई झगड़े काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। नंबर तीन, यदि आप चाहती हैं कि आपकी सास और आपके बीच में कोई भी खटपट ना हो
तो हमने सुना भी है कि घर के चार बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ खनकते ही हैं। तो आप कोशिश करें कि चार हो या आठ, आप अपने घर में बर्तनों को बजने ना दें, क्योंकि जिस घर में ज़्यादा बर्तनों की आवाज़ होती है या फिर खटपट होती है तो वहाँ सास बहू के झगड़े और भी बढ़ जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी सास और आपके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने घर में कोई भी बर्तन आवाज़ न करे, ऐसे ही काम करो जैसे कि काम हो भी जाए और किसी को पता भी ना चले। नंबर चार, यदि आप चाहती हैं कि आपके और सास के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े या फिर तनाव ना हो, तो आप खाना खाने से पहले एक रोटी गाय के लिए ज़रूर बनाएं और दूसरा खाना खाने के यानी कि शाम को खाना खाने के बाद एक रोटी कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके घर में तनाव भी दूर रहेगा, साथ के साथ आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नंबर पाँच, यदि आप चाहती हैं कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो और तनाव ज़्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए आप अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि तुलसी को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी विराजमान होती है तो उस घर में खुद माता तुलसी अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, जिसकी वजह से घर की लक्ष्मी यानी कि बहू कार्य जो भी करती है तो वह कार्य करने से पहले सुबह और शाम जल जरूर चढ़ाए, क्योंकि यदि वह तुलसी माँ की पूजा करती है और साथ के साथ सुबह और शाम को प्रतिदिन जल चढ़ाती है, तो ऐसा करने से हमेशा तुलसी माँ की कृपा बनी रहती है, साथ के साथ कोई भी लड़ाई झगड़े उसके पास नहीं आते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से भी तनाव और आपके बीच में भी कोई भी तनाव ना रहे, तो आप मुख्य द्वार पर अपने घर के सामने एक आम का पौधा जरूर लगाएं। वैसे तो आम का पौधा बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उससे निकलने वाला वह पदार्थ बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, तो आप बच्चों से दूर रखें और उसके आसपास जाली जरूर लगा दें। ऐसा करने से वो पौधा भी आपके घर के पास रहेगा और किसी को नुकसान भी नहीं देगा। तो ये है वह चीज़ें, यदि आप करती हैं तो आपके और आपके सास के बीच में होने वाले लड़ाई झगड़े काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आने वाले समय में आपके और आपके सास के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता बना होगा जो एक माँ बेटी का होता है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपके और आपके सास के बीच में माँ और बेटी जैसा रिश्ता बना रहे, तो आप इन उपायों को जरूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।